हेलो गाइज, मैं रंजन, आपका अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो होप कि आप छोड़ेंगे आपके सारे ही पालतू जानवर बड़े होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग छत पर आ चुके हैं और फाइनली भाई आज जो है हम लोग एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे भाई पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, बीच बीच में भाई थोड़ा गैप हो जाता है वीडियो में। भाई आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हो ना भाई, लिटरली बताऊँ आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि रंजन भाई प्लीज़ डेली वीडियो बनाया करो, डेली वीडियो बनाया करो। बट वही है ना भाई, डेली वीडियोज़ ना बनी नहीं पाती, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। मतलब कभी कहीं जाना पड़ जाता है, या कभी कभी लेट हो जाता हो कबूतर खोलने में ही, या कभी कॉन्टेंट नहीं मिल पाता। देखो जो बताऊँ सच्चाई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कभी कभी सोचता हूँ बनाने की, बट कभी होता है कि हाँ चल आज बनाते हैं, तो फिर सोचते चल छोड़ यार कल बनाएंगे, आज मन नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट कोई नहीं। तो अभी देख सकते हो भाई मालदीनें खुली हुई हैं और देन पट्टे खुले हुए हैं इसमें थोड़े अपने, जो भी एक दो पट्टे हैं घर के। तो फिलहाल आज की वीडियो में भाई हम ये बताने वाले हैं, क्योंकि इस मौसम में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है भाई आँख की बीमारी, जो कि कबूतरों की आँख आती है, कबूतरों की आँख में से पानी आता है। ठीक है, ये हमारे घर का पट्टा है कावरा, देखो इसकी हालत इतनी बुरी थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये जिंदा ही बचता है ऐसी हालत थी इसकी। बट अब जो है इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम ध्यान रख रहे हैं इसका। ठीक है, प्रॉपर इसको दवाई वगैरह दे रहे हैं, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। बट इसकी भी आँख की ही बीमारी है, ऑलमोस्ट हमारे कबूतरों में आँख की बीमारी आई इस बार। ठीक है, और इतनी बुरी आई कि भाई मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो बिल्कुल सब ठीक हो चुके हैं, तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा। ठीक है, अगर किसी की आँख आ रही होती तो मैं दिखाता भी, क्योंकि इतनी बुरी, मतलब मैं बता तो रहा हूँ भाई, पलके लटक जाना है ना, पलके जब मोटी मोटी होकर लटक जाना, आँख में जो पूरा पानी पानी आना। बहुत सारे कबूतरों को आए थे हमारी ये बीमारी, नर और मादिन दोनों में। तो फिलहाल अब तो ऊपर वाले की दुआ से ठीक है, तो हमने वो कैसे ठीक करा तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो पहले अब मादिनों को बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई मैं नहावा के अभी नीचे से आया हूँ। ठीक है, क्योंकि लेट हो गया, आज भी सोता रह गया यार, ऐसी हो जाता है मेरे साथ यार। विक्की तो अपने कबूतर बंद करके चला गया चुंगा मुंगा के, ये खोल के चले जाता है तो इसमें भी दाना डाली देता है। तो फटाफट पहले इनको बंद करते हैं और फिर नर को खोलते हैं, फिर आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, ये नीचे आ गया है, हमारे घर का पट्टा है, इसकी हालत अभी भी गंभीर ही है। गंभीर मतलब भाई आँख इसकी तो कितनी ज़्यादा आ रही है, पट्ठों को सबसे ज़्यादा आती है वैसे आँख की बीमारी भाई। बट ठीक है, अब तो फिलहाल ये पता नहीं विक्की ने इसको दवाई दिया नहीं दिया, क्योंकि बंद नहीं हुआ होगा इसलिए खुला छोड़ गया है, तो शायद दिया नहीं होगा, मैं दे दूँगा बाकी कोई नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या दवाई देनी है, जो कि जो ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कबूतर के बच्चों की या कबूतरों की। ठीक है, तो उसको कैसे ठीक करा जाए। ठीक है, आँख की बीमारी का देख लो कैसे पानी आ रहा है उसकी आँख में अभी भी, देख लो। तो यही बताने वाला हूँ आज मैं। अगर और कोई बीमारी लग रही है आपके कबूतरों में तो इस वीडियो में कमेंट करना, सबसे ज़्यादा जिस बारे में कमेंट होंगे ना मैं उसकी वीडियो अगली बारी बनाऊंगा। ठीक है भाई, मैं सोच रहा हूँ कुछ अब इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बना दे, क्योंकि काफ़ी टाइम से, कितने सालों से नहीं बने भाई मैंने वीडियो ऐसी। पहले तो मैं यही वीडियो बनाता था कि कबूतर का इलाज कैसे करें, ये करें वो करें ये करें ऐसा वैसा, मैं सब चीज़ बताता था। बट अब भाई थोड़ा कबूतर भाई ज़्यादा बड़े लेवल पर हो गए, तो भाई आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट प्यार मिलने लग गया, तो बस सिर्फ कबूतर ही कबूतर करने लग गए, फिर इलाज को भूल ही गए। बट मैंने सोचा यार ये सब भी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे नए नए भाई बहुत सारे आते हैं और मुझे मिलते हैं भाई, मुझे बताते हैं, कसम से मेरा दिल खुश हो जाता है कि भाई हम आपकी वीडियोस देख के अपने कबूतरों का ध्यान रखते हैं, आपको देख देख के हम सीखे हैं, तो भाई बहुत अच्छा लगता है सही में यार। पर इसको अब बंद कर देते हैं, ठीक है, और नरों को खोलते हैं। तो लो जी दोस्तों, नर वाली लॉफ्ट में आ चुके हैं और खुलने के लिए बेचारे उतावले पड़े हैं। देखो भाई काफ़ी दिनों बाद मैं भी दिखा रहा हूँ वीडियो में, चेक कर लो भाई। और जाल मैंने कल ही साफ करा, देखो इतनी बीट कर रखी इन्होंने भाई, क्या बताऊँ, हर एक दो दिन में, तीन दिन में, दो दिन में, तीन दिन में ऐसा करता रहा, तो दो दिन तो मान के चलो तीन दिन में कर ही देता हूँ। बट वही है ना, हालत इतनी गंदी कर रखी इन्होंने। बट कोई नहीं यार, अब मैं ना बड़ा खुश हूँ भाई, कसम से इतनी आँख की बीमारी आई थी मेरे कबूतरों में, इतनी आई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग सोचोगे मैं झूठ बोल रहा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे वीडियो के चक्कर में बोलोगे, बट नहीं भाई, मैंने वो चीज़ कभी दिखाई नहीं पहले। कहीं आप लोग सोचोगे अब यार तेरे कबूतर में तो खुद इतनी बीमारी आ रही है, तो हमें भाई क्या इलाज सिखा रहा है, सब आजमा लिया, सब कर लिया, सब ओके है, तब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो कारगर तरीका और हमेशा का काम, हमेशा काम करता है भाई वो। ठीक है, कोई नई दवाई मैंने आजमाई नहीं है, जो मैं पुरानी आजमाता हुआ हूँ वही आजमा रहा हूँ और वही मैं आपको बताऊँगा। इस कबूतर को तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो मरने की हालत में हो गया था, इसको आँख की बीमारी, खांसी की बीमारी, ठीक है, और दाना लगा लिया इसने, उसका पोटा साफ करा भाई मैंने इतना, इसके मुंह पे देखो अभी भी पीला पीला दवाई का निशान होगा बहुत सारा। इसको दवाई खिलाता था डेली विक्की और मैं, ठीक है। ओए भाई सब, मेरे को सही में विश्वास नहीं था कि बचेगा, बट भाई आपके सामने देखो जो है रिजल्ट, आपके सामने है, इसके मुंह पे अभी भी पीला पीला आज भी निशान है। देखो अभी कैसे दिखाऊँ मैं, थम्बे तब तो देखो पीला पीला दिख रहा है ना, देखो पीला पीला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ख़त्म, मुझे मर जाएगा, बचेगा नहीं। पर वही है भाई, दवाई सेट करके फिर तीसरे दूसरे चौथे दिन। तो ये बताने का मतलब ये है भाई मेरा कि आप लोग ना कोई दवाई जो आजमाते हो भाई, आप भी हम अपनी तरह भी देख लें
अगर हम कोई दवाई खाएंगे भाई तो 2 दिन में 3 दिन में भाई 4 दिन में रिजल्ट दिखाएगा। अब आप सोचो आज खाऊं और कल बिल्कुल चकाचक ओके बिल्कुल फिट हो जाऊं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, वो सर दर्द की बीमारी होती है जो इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी, वरना भाई कहीं ज़्यादा गहरी चोट हो तो वो टाइम ले गई। तो एक तरीके से गहरी चोट ही आँख आना भाई, जख्म हो जाता है उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा, फिर वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, फिर दवाई खिलाने के बाद धीरे धीरे ही घटता है। ठीक है, तो वही कंडीशन है। तो दवाई का नाम फाइनली अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप सोचोगे यार ये तो भाई अपनी बकर बकर कर रहा है, बट कोई नहीं भाई, ये मेरे को बताना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारे भाई समझ नहीं पाते ना इस वजह से। तो पहले कबूतर खोलते हैं, बाहर आ जाओ, आ बेटा आ जाओ आ जाओ। आप बेटे शेर 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 आ जा। ये चांदना भी सुस्त हो गया था भाई, सूखे में जा रहा था ये, सूखे में अपने आप ही, बट अभी भगवान की दुआ से ठीक है भाई, ये बहुत सुस्त हो गया था बहुत ज़्यादा। चलो चल, तू कहाँ बढ़ गया अंदर। लो जी दोस्तों, कबूतर देखते रहो और मेरी बातें सुनते रहो। तो भाई दवाई का नाम मैं फाइनली बताने जा रहा हूँ, दवाई का नाम है भाई एल्थ्रोसिन और बेटनोसोल। ठीक है भाई, और इसको अब देना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, बेटनोसोल जो है छोटी सी गोली होगी, उसको पूरा एक देना है, और एल्थ्रोसिन जो है भाई, ठीक है, 250 mg में लेना, 250 mg भी बता देता हूँ। एल्थ्रोसिन जो है 250 mg में लेना है आपको, और उसके 4 टुकड़े करने हैं, 4 गोली होगी भाई, उसके 4 टुकड़े ऐसे ऐसे करने हैं प्लस की तरह। ठीक है, चौथा हिस्सा एक लेना है, और जो बेटनोसोल है उसके साथ मिला के दोनों को इकट्ठा दे देना है। ठीक है, आपको साइड में फोटो वोटो भी दिखा रहा हूँ मैं, वो भी देखते रहना। प्लस डेली सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, डेली सुबह शाम करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो शाम शाम कर लो वो भी बेटर है। ठीक है, डेली सिपलॉक्स डी करके एक ना आई ड्रॉप आती है, साइड में फोटो आ रही है, ये देख लो, इसको भाई आपको सुबह शाम आँखों में डालना है। ठीक है, एक बूंद डाल दो या 2 बूंद डाल दो, आप एक बूंद डाल दोगे तब भी काम चल जाएगा। उसको थोड़ी देर पकड़ के रखना, ये नहीं कि डाला और छोड़ दिया, नहीं, जैसे गर्दन उसकी टेढ़ी करी, आँख पे डाला, उसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा रखा, उसको पल के अपनी चलाएगा, वो मींचता रहेगा, आँखों को मींचता रहेगा, इधर उधर आँखों करेगा, वो दवाई से होगा, आँखों में बिल्कुल घुल मिल जाएगी। ठीक है, प्लस फिर दूसरी साइड भी कर दो, दूसरी साइड भी हो रही है तो, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं मत करो, बट छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करना है भाई आप लोगों को, मैंने तो बता दिया है आपको कैसे खिलाना है, एक बार और बताता हूँ मैं, एल्थ्रोसिन और बेटनोसोल। ठीक है, एल्थ्रोसिन के 4 टुकड़े करने हैं, उसका 1 टुकड़ा लेना है, और बेटनोसोल एक छोटी सी गोली होगी पूरी साबुत, उसको लेना है, कबूतर का मुंह खोला, खाना वाना खाने के बाद, पूरा दाना वाना खाने के बाद पानी नहीं पिलाना, पानी तो अभी पिलाना है जब दवाई खिला दो, दवाई खिलाने के बाद तुरंत पानी वानी रख दो अपना और बंद कर दो भाई। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा भाई वो दवाई, और 100% गारंटीड दवाई है भाई। कितनी भी गहरी आँख हो, कितनी भी सड़ी आँख आ रही हो कबूतर, कितनी भी, वो खिला के देख लेना, और जो ड्रॉप बताया मैंने सिपलॉक्स, ठीक है, उसे डाल के देख लेना, और ना ठीक हो तो भाई दोबारा कमेंट कर देना कि रंजन भाई मुझे ठीक नहीं हुआ भाई, तो बताना आप लोग, बिल्कुल कारगर तरीका भाई, बिल्कुल कारगर। तो बस यही है यार, मैंने सोचा आप लोग भाइयों को बताऊँ यार, क्योंकि मैंने इतना आजमाया, मेरे तो कम से कम 10 कबूतरों की आँख आ रही थी, 10, और वो भी इतनी गंदी गंदी, मैं इसलिए तो दिखा नहीं रहा था भाई, 3-4 दिन से मैं वहीं गायब था, समझ लो कि अपने कबूतरों में थोड़ा इधर उधर था भाई, अपने कबूतरों में थोड़ा देखभाल कर रहा था यार, बस यही समझ लो। अभी भी कबूतर की आई रही है पट्ठे की, देखो उसको पट्ठे वाला कर रखा, नहीं तो पट्ठा इसमें रहता था मादिनों में। कबूतर जिसकी आ रही है ना, जैसे ज़्यादा आँख आ रही है आपका, गर्दान पुराना कबूतर है तो उसको अलग छोड़ दो, नया है तो भाई देखो उसको फिर भी केयर करो, गर्दान है तो उसको छोड़ दो, घूमने दो फिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही करना भाई। तो दोस्तों ये पट्ठा है भाई, इसको दवाई खिलाने जा रहे हैं, देखो ये एल्थ्रोसिन बेटनोसोल, मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये बेटनोसोल है, ये एल्थ्रोसिन है, इसकी खिलाने जा रहा है, इसकी आँख पर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, बोल रहा है, मतलब पड़ता है फिर ऐसे हो जाता है। तो अगर कुछ अलग दवाई होती है, अगर किसी मेरे भाई को पता हो तो वो आप भी बता सकते हो कमेंट में। ठीक है जी, उसको खिला दे, देखो चला जाइए लेके, वो ये बेटनोसोल है और ये एल्थ्रोसिन, इसके 4 टुकड़े करने हैं, और इस वाले को एक ही साबुत खिलाना है। ठीक है, और देखो भाई आई ड्रॉप भी है, सिपलॉक्स ये देखो डालना है, ऐसे डालना होता है, उसको आँख को थोड़ा सफाई कर लेता है भाई, बढ़िया, देखो ऐसे चला रहा ना आँख, वो आँखों को ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे करते रहना है, दिखा भी दिया अब तो मुझे पता था कि दवाई डाल के गया नहीं होगा ये, बाकी कोई नहीं। तो कबूतरों को भी मस्त दाना वाना दे दिया अपने, कबूतर मस्त भाई ढाल खा रहे हैं, झिक्के खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कबूतर तैयार हो रहा प्रॉपर सिस्टम हैंग करने के लिए अपना, बस तैयार हो जाए पूरा प्रॉपर कबूतर अपना, फिर देखना भाई मज़े ही मज़े।
तो यही छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन वाली थोड़ी। काफी सारे भाइयों को पता ही होता है, देखो भाई मुझे पता है, तो काफी सारे भाई अपने मिलते रहते हैं कभी कभी, तो वो लोग बताते कि भाई आपकी वीडियो देख के, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो सीखा हूँ, कबूतर भी लेके आया हूँ भाई आपकी वीडियो देख देख के। तो भाई बस वही आप लोगों का प्यार है यार, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब कबूतर मैं भी जा रहा हूँ बंद करने, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ सीखे हो आप लोग तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना, और कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पर तो भाई उसके बारे में भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।